सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ये गुत्थी सुलझने की जगह अब और पेचीदा होती नजर आ रही है। इस मामले में सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों की टीम लगातार तहकीकात में लगी हुई है। वहीं अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत की तीन बहनें नीतू, मीतू और प्रियंका ने पिता के सिंह की ओर से मामले को देख रहे वकील विकास सिंह से मुलाकात की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने बयान दिया है कि अभिनेता की तीन बहनें मुझसे मिली है। वहीं सुशांत की बहनों ने कहा कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, ताकि इससे रिया को फ़ायदा मिले। कैंपेन के तहत दिखाया जा रहा है कि सुशांत के पास कोई बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अगर सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता। बता दूं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ये अभियुक्त को बचाने की कोशिश है। सुशांत की बहनों ने आगे अपनी बात में कहा कि अगर ये कैंपेन आज के बाद नहीं रुका तो चैनलों के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस केस में अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से भी लगातार पूछताछ जारी है। वहीं ड्रग्स मामले में अब कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई के एक कथित ड्रग पैडलर को भी गिरफ्तार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति अभिनेता के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से जुड़ा है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि ड्रग कानून परिवर्तन एजेंसी ने मुंबई के बांद्रा इलाके से अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट नाइल लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिष्का शर्मा।